भागवत में एक प्रकार, तीन प्रकार, पांच प्रकार, नौ प्रकार, बारह प्रकार, चौदह प्रकार, सत्रह प्रकार, बीस प्रकार, पच्चीस प्रकार, उनतीस प्रकार, तीस प्रकार तक की बताई गई है। इसके अलावा भी करोड़ों प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति माने मन को भगवान में लगाना। तो वो जेन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशये, सनातन गोस्वामी ने कहा किसी प्रकार से मन को भगवान में लगाओ, वही भक्ति है। लेकिन प्रमुख रूप से नवधा भक्ति को महात्माओं ने स्वीकार किया है। ये प्रह्लाद ने बताया था अपने सहपाठियों को, असुर बालकों को, श्रवणम कीर्तनम विष्णोरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। लेकिन कृपालु तीन प्रकार की भक्ति बताता है, बस और सब छोड़ो। और ये कोई कृपालु की पर्सनल राय ही नहीं है, परीक्षित ने सुखदेव परमहंस अपने गुरु से पूछा, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम्। गुरुजी संक्षेप में बताइए कौन सी भक्ति करें कि सात दिन में हमारा काम बन जाए, क्योंकि सात दिन ही जीवन शेष है, फिर तक्षक नाग डस लेगा, हम मर जाएंगे। तो सुखदेव परमहंस ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भागवत दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पांचवा श्लोक। परीक्षित बस तीन भक्ति करो, श्रोतव्य और कीर्तितव्य और स्मर्तव्य। श्रवण, आप लोग इस समय श्रवण भक्ति कर रहे हैं, भगवान का तत्व ज्ञान सुनना, ये बहुत आवश्यक है, इसके बिना साधना नहीं हो सकती।
हर समय तत्व ज्ञान साथ रहना चाहिए। गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस। सिद्धांत के ज्ञान में आलस्य मत करो। थियरी की नॉलेज बहुत आवश्यक है, संसारी विषय में भी और भगवान के यहां भी। तो वो श्रवण भक्ति, और नंबर दो कीर्तन, वो आप लोग करते ही, और नंबर तीन ध्यान, भगवान का स्मरण, ये तीन भक्ति। इसी को फिर पक्का किया सुखदेव परमहंस ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक, यानी तीन भक्ति करना है, कान से सुन लो परीक्षित। फिर आगे कहा भागवत में, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मण। भगवान की तीन प्रकार की भक्ति प्रमुख है, श्रवण कीर्तन ध्यान, और उसमें भी सबसे प्रमुख है ध्यान। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। ब्रह्मा कहता है कि मैंने वेदों को तीन बार मथा है और एक सार निकाला है उसमें से। मनुष्यों, तुम वेद को छूना मत, तुम्हारे बस का नहीं है वो। प्रारंभ में जब वेद प्रकट हुआ तो ब्रह्मा ने वेद को देखा तो कुछ नहीं समझा। तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तब भगवान ने अपनी शक्ति दी, तब वेद का ज्ञान हुआ ब्रह्मा को। मनुष्य क्या समझेगा? तो ब्रह्मा कहती है, मैंने निचोड़ निकाला है, भगवान का ही निरंतर ध्यान करो। ये निचोड़ देखो, एक भक्ति, स्मर्तव्यस्ततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधास्तु रेतयोरेव किंकरा। पद्म पुराण, केवल भगवान का स्मरण करो, एक भक्ति। आलोड्य सर्वशास्त्राण विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं धेयो नारायणो हरि। स्कंद पुराण और लिंग पुराण दोनों में यह श्लोक है, अर्थात केवल भगवान का स्मरण करो। छहों शास्त्रों का मंथन करके वेद व्यास ने बताया है। सब शास्त्र वेद एक स्वर से यही कहते हैं, भगवान का स्मरण ध्यान ये सबसे प्रमुख भक्ति है। कीर्तन भी न करो, केवल ध्यान करो। ये क्यों? इसलिए कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है, इंद्रियां नहीं है। कीर्तन तो इंद्रियों से होगा, श्रवण भी इंद्रियों से होगा, लेकिन स्मरण ध्यान मन से होगा। और मन का ध्यान ही भक्ति है। मन संसार से हटे यही वैराग्य है, मन भगवान में लगे यही अनुराग है।
इसलिए केवल रूप ध्यान सबसे प्रमुख है, उसके साथ कीर्तन भी करो और अच्छा है, इंद्रियां भी लगी रहे। लेकिन रूप ध्यान यदि न किया तो फिर करोड़ कल्प कीर्तन करते रहो, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, ये दोनों भक्ति अनंत जन्म करते रहो, तभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तब भी श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा खाली श्रवण कीर्तन से। ध्यान करना होगा, ध्यान स्मरण, मन से स्मरण करते करते फिर व्याकुलता पैदा हो उनसे मिलने की, उस व्याकुलता से अंतःकरण पिघलेगा तब शुद्ध होगा। जब मन निर्मल हो जाएगा तब गुरु अपना कमाल करेगा, वो दिव्य प्रेम देगा। इसलिए मन का स्मरण सबसे प्रमुख है, पहले रूप ध्यान करो, उसके बाद कीर्तन करो, उसके बाद पूजा पाठ जो कुछ चाहो करो, सब ठीक। लेकिन अगर स्मरण नहीं किया तो सब ऐसे ही व्यर्थ है जैसे बिना प्राण का शरीर। ठाकुर महाशय ने कहा, मनेरो स्मरण प्राण, मन से भगवान का स्मरण ये प्राण के समान है, और साधनाएं शरीर है, प्राण निकल गया शरीर मिट्टी। इसलिए रूप ध्यान पर आप लोग सदा ध्यान दें। मैं बार बार कहता हूं, रूप ध्यान पर ध्यान दें, यहीं पर लापरवाही करते हैं। मन शत्रु है, ये चारों तरफ घूमता रहता है दिन भर, और आप दिन भर कीर्तन करते रहते हैं, वो बैठा है, वो बैठी है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, दिन भर देखते रहते हैं। हम आपको देखते हैं दुखी होते हैं, इतना समझाने पर भी आप एक घंटे भी रूप ध्यान नहीं करते। आंख खोल करके क्या देखते रहते हैं, दुनिया देखते देखते तो अनंत जन्म बीत गए, क्या नई बात आपको दुनिया में मिलेगी जो आप दिन भर देखते रहते हैं। केयर कीजिए, ये मानव देह पता नहीं कब छिन जाए, क्या जवाब दोगे भगवान के आगे। सब कुछ मालूम हो गया था फिर भी लापरवाही की, रूप ध्यान नहीं किया महाराज मैंने, मानो देह भी छिन जाएगा, 84 लाख में घूमना पड़ेगा, लापरवाही का परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए रूप ध्यान पर विशेष ध्यान देना है। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर।
शंकर प्यारे, तू ही शंकर प्यारे, चलत नटवर तेरे पाछे, चलत नटवर चहत पद रज प्यारे, तेरे पाछे चलत नटवर चहत पद रज प्यारे, चहत पद रज प्यारे। पतित भावे प्यारे, हरि ही भावे शुद्ध जन तुही, पतित भावे प्यारे, पतित भावे प्यारे।
सिर धरहु निज कर प्यार।